आज बिलोड़ा में कुंभा सर्कल के पास में गोवा ऑयल गोवा ड्राई फ्रूट की शॉप पे कार्रवाई करने आए हैं। या एक तो इनके पास वो सप्लाई का लाइसेंस नहीं, खाद्य सुरक्षा का, और दो तीन आइटम जैसे मखाना और काजू और पिस्ता है, इस पर कुछ आइटम मिले जिस पर लेबल, बैच नंबर और डेट, एक्सपायर डेट लिखे हुए नहीं है। काजू का सैंपल लिए गए हैं और उन पर नियमों से कार्रवाई की जाएगी। जिन पर बेच नहीं उस पर पेनल्टी, और जो भी धारा 136 138 के तहत कार्रवाई किया जाएगा। शॉप खोलने के पहले लाइसेंस लेना जरूरी होता है क्या? बिल्कुल, कोई भी ड्राई फ्रूट सप्लाई करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके साथ कहाँ कहाँ और कहाँ? आज वो फेज बिल्ले के फेज नंबर 3 जिसपे नमकीन फैक्ट्री है, शिव शक्ति नमकीन फैक्ट्री है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है। वहाँ तेल के नमूने लिए गए हैं और बेसन और मसाले के नमूने लिए गए हैं।